Myself, Smita Amit Gaikwad. I work as a teacher in this Blossom Playgroup and Nursery School. I have got an experience of last 8 years. My name is Swati Sanjay Gaikar. I have 15 years experience in Blossom Playgroup and Nursery. My name is Gauri Ashish Garase. I am a teacher in Blossom Playgroup and Nursery. I have experience of 8 years in this school. Myself, Kamal Lavangare. I am working in Blossom Playgroup Nursery last 15 years. My name is Sunita Shankar Dhumar. Since 10 years, I am teacher in this school. Myself, Yogita Ajay Chavan, mother of Sumukh Ajay Chavan, who was studied here in a playgroup, and I stay in Abhyuday Nagar area. Experience about Blossom is very excellent. मेरी पहली बच्ची भी यहाँ पर ही थी, अभी वो 9 years old है और वो उसको सेंट पीटर्स ICSE स्कूल में वो पढ़ रही है. उसको उसका जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस काउंट करके ही मैंने मेरे नेक्स्ट बच्चा सुमुख अजय चौहान उसको भी यहाँ पर ही डालना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया. It's a very good experience working as a teacher being over here because the environment that I have received from all other teachers is very good. खुद का जो experience है उसको देख के मैंने मेरे बच्चे को यहाँ पे डाला. It's a very good experience. Now regarding the admissions, I would like to tell that if you're admitting your child in this school, it's a very good school over here. The teachers are qualified, experienced teacher. You will see that after going out from the Blossom school, your child is going to get a very good admission in very good new schools. Now I have got an experience in such that many of the students from our school has got in a very good namely school admissions, since like ICSE international schools, and their parents are also very happy with the studies they have achieved from our school. मला हे सांगायला खूपच आनंद होत आहे की समक्ष ह्या स्कूलमधून शिकून आता मला ज्या स्कूलमध्ये हवंय त्या स्कूलमध्ये त्याला ऍडमिशन मिळालेलं आहे. मेरी बच्ची भी यहाँ पर कभी भी कभी स्कूल से पास होती है, वो अभी भी यहाँ पे टीचर्स को लोगों को याद करती है, मेरी स्कूल है करके मुझे बताती है, तो उसको अभी भी प्राउड भी फील होता है स्कूल को लेके. एंड मेरे बच्चे के बारे में वो बताऊँगी तो यहाँ पे बहुत ही फैमिलियर है एटमॉस्फियर. टीचर्स तो बहुत ही फैमिली जैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को, ज़्यादा हार्श नहीं है. फिर यहाँ पे टिफिन्स के लिए भी ज़्यादा जंक फूड्स वगैरह अलाउ नहीं करते, चपाती भाजी एंड जो भी हेल्दी फूड है उसके लिए बच्चों को ज़्यादा मतलब सिखाया जाता है. आज मैं बहुत खुश है. ब्लॉसम मेरा बच्चा तो ब्लॉसम में इतना अच्छा सीख गया. पहला आया तो कुछ मालूम नहीं था उसको, पहला तो डर गई वो, उसका बाद में बहुत खुश हो गया. वो बहुत अच्छा पढ़ती है, खुद पढ़ाती है. अभी 3-4 स्कूल में भी पहला नंबर से वो लोग ने स्कूल में टीचर ने बुलाया, ये स्कूल इतना अच्छा है. सब में भी खाने में पीने में कपड़े में, कपड़ा भी गंदा होएगा जरा भी गंदा होएगा तो वो घर में आके बोलती है मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मेरा कपड़ा गंदा है. ये स्कूल में अच्छे से पढ़ना चाहिए, आगे जाके वो लोग बच्चे लोग आगे जाना मांगते हैं. ब्लॉसम का बारे में सुनेगा कोई भी, कौन सा भी बच्चा का मम्मी होने दो डैडी होने दो, वो एडमिशन लेना ही चाहिए ये स्कूल में. आपल्या ब्लॉसम स्कूलमध्ये न्यू ॲडमिशनसाठी ज्युनियरसाठी खूप चांगल्या प्रकारे तयारी केली जाते. समक्षला मी चारही स्कूलमध्ये इंटरव्ह्यूसाठी नेलेलं, तिथे चारही ठिकाणी तो पास झाला. एन्व्हायरमेंट खूप आपलं होमली आहे, त्याचप्रकारे सेफ आहे. आय वुड लाईक टू टेल यू दॅट लिव्हिंग असाईड स्टडीज ऑल्सो वी कंडक्ट मेनी अदर ॲक्टिव्हिटीज इन आवर स्कूल विच आर रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट टू आवर स्कूल, बिकॉज डिसाइड स्टडीज ऑल्सो चाइल्ड शूड गेट एन्करेज अँड इंटरेस्टेड इन द ॲक्टिव्हिटीज ऑल्सो दॅट वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम दिस इयर ऑनवर्ड्स. नाव दिस ॲक्टिव्हिटीज आर बीन कंडक्टेड ओनली फॉर द सोशल डेव्हलपमेंट ऑफ युअर पर्सनल चिल्ड्रन्स. प्रत्येक मुलगा हा आपल्या मम्मीसाठी एक वर्ड असतो. जसं आपल्याला वाटतं की मुलाने आपल्या जसं घरी चांगलं राहावं सेफ राहावं, तसंच आपल्याला ह्या स्कूलमध्येही सेम तसंच वाटतं सेफ. ह्या स्कूलमुळे इथे शिकल्यामुळे त्याला नेहमी स्टार मिळतो, व्हेरी गुड मिळतं, आणि आत्तापर्यंत त्याला 5 ट्रॉफी मिळालेली आहे 2 वर्षामध्ये. आपल्या इथे भरपूर ॲक्टिव्हिटीज डेज फेस्टिवल सेलिब्रेट केले जातात,
मेन म्हणजे इंटरव्ह्यूची तयारी खूप चांगल्या प्रकारे केली जाते. जसं बाकी जेवढं मी ऐकलं दुसऱ्या स्कूलमध्ये लिंक केलं जातं त्यामुळे तिथे जास्त ॲडमिशन होतात. आपल्या इथे लिंक केलं न जाताही आपल्या मुलाचं ॲडमिशन आपल्याला ज्या शाळेमध्ये हवं आहे त्या शाळेमध्ये होतं. दिस इज व्हेरी फॅन्टॅस्टिक थिंग. इन आर स्कूल वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स आर बी हेल्ड इन आर स्कूल ऑल्सो. फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट विथ आर चिल्ड्रन सो दॅट द चाइल्ड शुड नो वॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ फेस्टिवल्स. इन दिस फेस्टिवल्स वी ऑल्सो इन्क्लूड आर पेरेंट्स सो दॅट इवन दे शुड कम टू नो वॉट आर द इन्फॉर्मेशन दॅट वी आर प्रोवाइडिंग टू युअर चिल्ड्रन्स. यहाँ पे फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं और बच्चों को फेस्टिवल्स बताना बहुत जरूरी बात है. जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं जितने भी फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुआ है लाइक दिवाली, गणेश फेस्टिवल्स वगैरह, होली एंड दियांडी. After going out from this Blossom School, you will be having a certificates. The progress card will be handed over to you and it's a surety and certified that your child is going to get a very good admission in your big school also. टीचर्स ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि अगर आपको प्ले ग्रुप के बाद किसी और बड़े स्कूल में जाना है तो इंटरव्यू के पहले हम लोगों को इन्फॉर्म करना, हम आपके बच्चों को अच्छे से इंटरव्यू के लिए ट्रेन करेंगे. तो दैट्स एक वेरी बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए और उस हिसाब से उसने इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया. इवन कलर्स, नंबर्स, जितना भी उसको पूछा गया, फ्रूट्स, उसने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया. वो थोड़ा शाइश नेचर है, मुझे थोड़ा डर था कि ये बताएगा कि नहीं, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, लेकिन जैसे ही उसने इंटरव्यू दिया मैं फुल कॉन्फिडेंट हो गई कि यहाँ पे ही उसको सब अच्छे से सिखाया है, जिसकी वजह से उसने इंटरव्यू भी अच्छा दिया और आज वो स्कूल में उसको एडमिशन भी मिल गई है, सेंट पीटर्स ICICI माझगाँव स्कूल. तो इस हिसाब से ये स्कूल नो डाउट बहुत ही अच्छा है. मैं हर पेरेंट्स को भी ये रिकमेंड कर सकती हूँ कि जितने भी लोकल एरिया के लोगों को ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है अलवेज, छोटे बच्चे हैं प्ले ग्रुप, तो इसके लिए प्रेफरेंस दे, ऐसे मुझे मैं बताना चाहूँगी. मी माझ्या मुलीला पहिले इथे टाकलेलं ब्लॉसममध्ये, म्हणून मीला पहिलं टाकलं तर मला पहिला टीचरचा स्वभाव वगैरे पहिला आवडला. त्याच्यानंतर ती हळूहळू चांगली प्रोग्रेस करायला लागली, म्हणजे त्यांचं शिक्षण पण एवढं चांगलं होतं की ती स्वतःहून करायची आणि म्हणजे सगळं तिचं बायाट होतं. इवन पोएम, ओरल वगैरे ती सगळं व्यवस्थित करत होती. तिच्यामुळे आता मी जरा मोठ्या शाळेत पण तिला टाकलं. आता ती 7 इयर्सची आहे, पण त्याच्यानंतर माझा मुलगा 3 इयर्स आहे, त्याला पण मी इथेच टाकलं कारण की इकडच्या टीचर त्याही बेस्ट आहेत आणि इकडचं एज्युकेशनही बेस्ट आहे. तो तर एवढा नव्हता हुशार, पण आता भरपूर हुशार झाला आहे तो आणि बोलतो पण भरपूर तो. आणि त्याला काही सांगितलं की हे काय ते काय तेही सांगतो. त्याच्यामुळे ही ब्लॉसम शाळा तर भरपूरच छान आहे आणि तुम्हाला ॲडमिशन तुम्ही बिंदास घेऊ शकता इथे.